नरेन्द्र मोदी कोविड समीक्षा वाराणसी डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी सहित आलोचना करुछंति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसन देखिबा यार सीधा प्रसारण। गांवों में चल रही लड़ाई में हमारी आशा वर्कर और एएनएम बहनों की भी भूमिका बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। साथियों, सेकेंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। साथियों, जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो, साइंस लेड अप्रोच हो, तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। मुझे याद है पूर्वांचल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे, पार्लियामेंट में इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु की एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे, लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहां के बच्चों को हुआ है। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें